20 मार्च 2008 की आज घटना के बारे में बात करेंगे, जिसको 11 साल हो गए हैं, जिसके लिए एक माँ दर दर की ठोकरे खा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का न्याय उसको मिल नहीं पा रहा है। जैसा कि आज आपको एक कहावत भी सुनाते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेकसूर को कानून सजा नहीं देता है। इसी तरीकों की कहावतें हम अक्सर करके सुनते हैं, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, लेकिन दिल को कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती है, झूठी लगती है। तो आज हमारे साथ में एक कानपुर से वृद्ध महिला आई हुई है हमारे स्टूडियो में, और जिनसे हम बात करेंगे वो 21-3-2008 की घटना जो उनके लिए अभिशाप बन गई है, जो कि इसी 21-3-2019 में होली भी है, और पिछली होली में उनके लड़के की हत्या कर दी गई थी। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं क्या हुआ था उस रात। बताइए क्या हुआ था उस रात, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम कुसुम है, मैं कानपुर से आई हूँ। 2008 में मेरे लड़के का छह लड़के आके बुला ले गए थे घर से रात में। कौन थे वो, दोस्त थे क्या थे? सब आर नगर के लड़के थे, दोस्त नहीं थे, दोस्त थे। हाँ, आर नगर के थे। 2008 जो अम्बेडकर ड्राई क्लीनिंग वाली गली में उनका मर्डर करके छह लड़के घर पे लेके आए, कहने लगे ये गिर गया है। तो जो दो लड़के आपके घर से लेके उसे गए थे, उनका नाम क्या था? मनीष शुक्ला, महेंद्र कोपे, मोनू, सुनील लाई, छह लड़के थे जो लेके आए। हाँ, लेके आए थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद रात में, मतलब उन्होंने कहा कि ये गिर गया, इसको बेहोश हो गया है। हम लोग उसका कपड़ा उतार के सो लेट गए। 2 बजे रात में पापा ने जब देखा तो उसके उसका हाथ पैर से ठंडा हो गया था। तब उन्होंने हमको जगाया, हम खड़े हुए वैसे गिर गए। इसके बाद 3 बजे मेरी बड़ी बहन आई, उसने हमको उठाया, पानी उनी डाल के कहने लगी भैया बिटिया उठो, सिपू मर गया है। तब मेरी आँख खुली, अब नहीं बता पाए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये भावुक हो चुकी हैं, शायद वो सारी बातें इनको याद हो करके आप देख रहे होंगे कि अभी तक के वो सिसकाहट जो इनके मुख से निकल रही है। हम आपको बताते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि 2008 की ये घटना थी, और जिसके अंदर जो हत्यारे थे उनको सजा भी हुई थी उम्र कैद की, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई, जो कि वो हत्यारे बाहर आज खुले आजाद घूम रहे हैं। कानून ने उनको आखिर क्यों खुला छोड़ दिया, हत्या का आरोप, हत्या साबित भी हुई, और लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी कानूनन कार्रवाई उन हत्यारों पे नहीं हुई। आज भी वो मां बिलख रही है, रो रही है, लेकिन शायद कानून और उनको कोई भी ऐसा उसके अंदर नहीं दिख रहा है, कोई भी उसके अंदर उसकी जो महसूस वो कर रही है वो भी उसको नहीं देख पा रहे हैं कि आखिरकार वो हत्यारे क्यों अभी तक के बाहर घूम रहे हैं, क्यों वो सलाखों के पीछे नहीं है। तो आप इस समय ये बता पाएंगे कि जो कानून की गिरफ्त से लोग बाहर हैं, तो सरकार से या जो कोर्ट से आप क्या चाहती हैं? हमें सजा चाहिए। सजा? हाँ, सजा चाहिए, या हमको मुआवजा दे कि मेरा लड़का कमा के हमको धर के गया है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो दर दर बैठे। आप जीविका कैसे चलाती हैं? हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं, हमको एक लड़का है, वो भी हमारा सहारा नहीं ना, हम अलग कमरे में रहते हैं, एक लेके किराए का। कितना किराया है उस कमरे का? 2000 किराया, 300 रुपए बिजली का बिल है। तो कहाँ कितना काम आप कर लेती हैं, कि कितनी जगह आप काम करती हैं? दो जगह करती हैं। तो जैसा कि देखा आपने, जो ये मृतक की माँ है वो एक लोगों से और सरकार से गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं एक इनको जो इनका बेटा एकमात्र सहारा था, जो इनके बुढ़ापे में लाठी का कार्य करता, उसको निर्मम हत्या करके जो हत्यारे थे आज वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, अपनी जो जी रहे हैं जिंदगी वो पूरी तरीके से जी रहे हैं, और कानून की गिरफ्त से एकदम बाहर है, जैसे कि उन्होंने कोई अपराध ना किया हो, लेकिन एक माँ की लाठी जो टूट चुकी है उसको कहां तक के सरकार बनाने का काम इस
दुनिया में करती है या जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, वो कहां तक के इस खबर पे असर करती है कि आखिर इस मां के लिए, मदद के लिए कहां तक के खड़ी होती है। जो हत्यारे हैं उनकी ये मांग भी कर रही है कि सलाखों के पीछे जाए और जो भी हमारी कम से कम मदद हो सके वो हमारी करे। तो ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आपकी आवाज बनके आप तक के पहुंचते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस खबर पे क्या महसूस हुआ, क्या सरकार द्वारा या जो कानून प्रशासन के द्वारा ये गलती की गई है वो कहां तक के सही है।